दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने कई सारी चर्चाओं को समेटा था, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा करी महार और मुसलमान दंगों में किस तरह का मंजर हुआ करता था, उसकी चर्चा करते हैं वे। साथ ही अछूतों और सवर्णों के दंगे के लिए कोई बड़ी वजह होने की जरूरत नहीं थी, मामूली सी बात पर भी दंगा भड़क जाया करता था। उसके बाद उन्होंने चर्चा करी कि कावा खाने में पुरुष जो है वो किस तरह का असंयमित व्यवहार किया करते थे, न केवल वे वेश्याओं के पास जाया करते थे बल्कि वेश्याओं को घर पर भी ले आया करते थे, और शादीशुदा और बाल बच्चों के साथ रह रहे पुरुष भी इस तरह की हरकतें किया करते थे जो बड़ा आम माना जाता था। ऐसे समय में घर की औरतें जो हैं वो बाहर फुटपाथ पर जाकर या सड़कों पर जाकर बैठ जाया करती थी, और इस परंपरा को उनके खुद के चाचा ने तोड़ा एक हिजड़े को लाकर। उसके बाद उन्होंने चर्चा करी कि किस तरीके से उन्हें पता चला कि वैश्यालय में उनकी एक मौसी भी काम करती है या वेश्यावृत्ति करती है, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा हैरानी होती है। वे उससे मिलने जाते हैं और तब वहां पर उन्हें एक आश्चर्यजनक बात पता चलती है कि येल्लम्मा देवी के पूजा घर के साथ ही जो है वो बाबा साहब की तस्वीर भी दीवार पर टंगी हुई थी। उसके बाद उन्हें हमने खत्म किया था कि किस तरीके से उनकी मौसी को उनके मौसा ने ही वहां लाकर बेच दिया था। इस बात का दया पवार को बड़ा आश्चर्य होता है। वे हो सकता है उन्होंने कभी महाभारत की कथा न सुनी हो, क्योंकि महाभारत में धर्मराज कहने वाले पुरुष युधिष्ठिर ने भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार दिया था जुए में। तो औरतें हमेशा दांव पर लगती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कथाओं में भी इस तरह की बातें आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। तो यहां पर हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। बंबई आने पर गांव वाले मिलते ही उनमें से आंबू और सदाशिव के साथ संबंध अधिक गहरे होते गए। वैसे ये मुझसे उम्र में 4-5 साल बड़े थे, बंबई में नौकरी करते पर मुझे समान महत्व देते थे। वे मुझे गोला पीठा यूं ही घुमाने ले जाते, मैं चिढ़ता था। उस उम्र में भी मैं कहता ताड़ी के पेड़ के नीचे बैठा के लोग कहेंगे ताड़ी पिया है। इस पर वे ठहाका मारकर हंसते। वैसे अंबू और सदाशिव दो अलग अलग छोर थे। अंबू हमेशा दांत निपोड़ता रहता पर सदाशिव धीर गंभीर, जो कुछ भी कहता सीरियसली, दोनों की अटूट जोड़ी। अंबू दिखने में आकर्षक था, रहता भी अप टू डेट था, वैसे अंगूठा बहादुर था, मतलब अंगूठा छाप था, परंतु जब बात करता तब अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देता। वह जाहिर नकलें करता बतौर शौक, यानी कि मिमिक्री करने का शौक था। उसका एक पात्रिक कार्यक्रम बड़ा रंग लाता। उसकी पेटेंट कोंकणी बाला की नकल जयंतियों में खूब चलती। तो ये किस तरह की जयंतियां थी इसका कोई जिक्र दया पवार जी ने नहीं किया है, और बड़ा आश्चर्य लगता है कि उस समय भी हमारे लोग जो है वो मिमिक्री किया करते थे। पता नहीं एज ए प्रोफेशन वो लेते थे या नहीं, जैसे आजकल तो प्रोफेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। आंबू चाची के घर ही खाना खाता। सुबह काम पर जाते समय चाय की बड़ी तारीफ करता, कहता पार्वती बाई तेरे हाथ की चाय, कंपनी के गेट तक चाय का स्वाद मुंह में ही बना रहता है। इसका अर्थ घर में समझा जाता उसका बोलना उल्टा हुआ करता है। उसकी बातचीत बड़ी जानदार होती। उसकी ये चेतना अचानक लुप्त हो गई। आंबू को टीवी ने धर दबोचा। शुरू में उसने ये रोग छिपाए रखा, उसकी खांसी और उसकी देह उसकी सूखती देह के कारण उसका रोग मालूम हो गया। उसकी शादी नहीं हुई, अब एक ही बांस पर जाना पड़ेगा। तो इस कहावत का जो मतलब है मैं ढंग से नहीं समझ पाई हूं, मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा। इसी का दुख उसके चेहरे पर झलकता। बाद में एक छोड़ उसकी दो शादियां हुई, दूसरी पत्नी ने उसकी अंत तक सेवा करी। हमारे देश में सबसे आसान काम यही होता है पुरुषों के लिए, शादी कर लेना। यदि आप कुछ ना भी करते होगे तो भी आपकी शादी हो जाएगी। अब मरने के डर से उसका चेहरा काफी त्रस्त रहता। उसका हंसना, मुस्कुराना, मजाकिया संवाद सब खत्म हो गए। मृत्यु की भीषण छाया उसके चेहरे पर छा गई थी, यह देखा ना जाता। मैं जब गांव में था तब उसकी मृत्यु की खबर आती है। वैसे मृत्यु का आतंक मैंने बचपन से ही देखा था, पर उस दिन आंबू की मौत से झटका लगा। उसके मरने की इच्छा न थी और मृत्यु पाश उसके चारों ओर कसता जा रहा था। इस कैंची में अंत तक वह जकड़ा रहा था। सदाशिव का दुखांत राजनीति के कारण हुआ। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर दलित पैंथर का भी जिक्र है और बाबा साहब के मरणोपरांत उनकी रिपब्लिकन पार्टी का भी जिक्र है।
सदाशिव का दुखांत अंत राजनीति के कारण हुआ। बंबई आने से पहले का सदाशिव याद आता है, सिर्फ हल चलाने वाला था, घुटनों तक धोती बंडी इसी पोशाक में खेतों में खटता। उसके करीबी रिश्तेदार आते हैं और उसे बंबई ले जाते हैं, उसे ट्राम कंपनी में लगा देते हैं। छठवीं सातवीं पढ़े सदाशिव को बंबई के टेढ़े नल का पानी बदल देता है। जब वह गांव आता है तब उसका रुआब देखकर हम भी प्रभावित होते। सफेद शुभ्र बगुलों से कपड़े, बाल सलीके से काटे गए, हाथ में एक आध पुस्तक। वह हमें बंबई की काफी बातें बताता। अब उसकी भाषा में भी काफी सुधार हुआ था। देखने में काला सांवला था, फिर भी उसका नाक नक्श ठीक था। शिवाजी की भूमिका सहज कर सकता था, तो मतलब काफी तीखे नैन नक्श रहे होंगे, क्योंकि शिवाजी के नैन नक्श बड़े तीखे हैं। पिक्चर उनकी जो होती है उनमें भी आप देखें तो आपको पता चलते हैं। प्रारंभ में बतौर शौक नाटक मंडली बनाना उसकी दिलचस्पी थी। कमाठीपुरा में इस नाटक का अभ्यास होता। वह आजोबा विद इन ब्रैकेट दादाजी नामक एक नाटक का मंचन करता है। अभ्यास जब चल रहा था तब मैं भी जाया करता। नाटक के लिए नायिका एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की चिरगांव से आया करती। तो ये भी एक नायाब सी ही इन्फॉर्मेशन है कि ब्राह्मण की लड़की जो है वो नाटक मंडली में महारों के लड़कों के साथ काम किया करती थी। ऐसे समय नायिका से बातें करना भी करने के लिए बड़ी स्पर्धा होती। नायिका के घर जाकर उसे टैक्सी से लाना उन्हें थ्रिल लगता। तो ये हमारे समाज का एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि जहां खूबसूरत लड़की देखी नहीं, और खास तौर से यदि वह लड़की ब्राह्मण या सवर्ण हुई तो एकदम ही उसके पीछे लट्टू हो जाया करते हैं। नाटक का एक कलाकार याद आता है, उसका एक दांत सोने का था। शादीशुदा था पर नायिका के लिए कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार रहता, उसे साड़ी चोलियां भी देता, ऐसी चर्चा थी। वैसे नायिका बड़ी उस्ताद, हाथ न लगाने देती, पर ये लोग मात्र सुगंध से मस्त हो जाते हलवाई के कुत्तों से। कितना व्यंग्य किया है अपने समाज के लोगों पर, और ये बात बिल्कुल सही है। सदाशिव कुछ अलग था, वह नाटकों के पीछे पागल था। अभ्यास करते समय ही नायिका के मन में अपनी जाति का अहंकार जाग गया था। कहने लगी, आपका उच्चारण कैसा है तो आखिर महार ही, कभी नहीं सुधरोगे। बस सदाशिव नायिका पर झल्लाया। वह उसी लहजे में कहता है, बाई भाषा पर इतना गर्व है तो महारों के लड़कों के साथ घुंघरू बांधकर क्यों नाचती हो। बाई पर यह मर्मांत आघात था। किसी अछूत से, रतन जी को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि किसी अछूत से, किसी अस्पृश्य से यदि इन्हें टक्कर मिलती है, कोई कड़वा शब्द इन्हें सुनने को मिलता है तो ये बड़े मर्माहांत होते हैं। वह रोने लग गई। उसके नाक का अंतिम सिरा और भरे हुए गाल लाल लाल हो गए। सदाशिव यूनियन के काम की ओर कैसे बढ़ा मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि चुपचाप बैठना उसके बस की बात नहीं थी। कुलाबो में बस कंपनी के गेट के पास उसके भाषण झाड़ना शुरू किया। BEST यानी कि बेस्ट। बचपन में हम लोग जब बंबई घूमने गए थे तो वहां हर जगह बेस्ट की बसें थी। अब पता नहीं चलती हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बेस्ट के आंदोलन में उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सदाशिव सड़क पर आ गया। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और गांव की ओर चलता बना। अब उसने तालुके की राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया। गांव वाले उसे विधायक कहने लगे। वैसे वह कभी भी चुनाव जीता नहीं था, लोगों ने ही उसे ये पदवी बहाल की। किसी को सगाई कर्ज हेतु मदद करना, पति पत्नी के झगड़े निपटाना, कचहरी पर मोर्चा ले जाना, ऐसे काम शुरू हुए। गांव वाले मुझे सम्मान देते हैं, घर ले जाते हैं, सादर बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पर महारवाड़ा के दूसरे लोगों को तुच्छता से देखते हैं। ये दुख उसके मन में हमेशा रिश्ता रहता, क्योंकि ये गांव वालों के काम का था, इसीलिए गांव वाले जो है इसको हाथों हाथ लेते थे, लेकिन बाकी महारवाड़ा से वे लोग जुड़ते थे। एक बार उसने गांव में हंगामा कर दिया। रामनवमी के दिन गांव में एक यात्रा होती, सभी को पूरे भोजन का निमंत्रण दिया जाता। सदाशिव ने कहा, हमें तुम्हारी पंगत मुफ्त में नहीं चाहिए, महारवाड़ा का भी चंदा लो। महारवाड़ा से चंदा जमा किया गया। शाम को मारुति के मंदिर के सामने पंगत बैठी। महारों को पंगत में नहीं बुलाया गया। सदाशिव का पारा चढ़ गया।
क्या करे वह, धोती खोजता है और परोसने के लिए भागता है। मराठा युवकों ने उसे रोका, अरे ये बूढ़े ठूंठ नहीं मानेंगे, सारा खाना बेकार चला जाएगा। मतलब इससे मदद भी लेते हैं और इसका सम्मान सिर्फ अपने जब तक मतलब रहता है तब तक करते हैं, उसके बाद तो वे महार ही हैं। सदाशिव कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना था। अंत में उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। पंगत उठने पर उसके साथ सब युवक खाना खाने के लिए तैयार थे, पर उसने ये कहकर खाने से इनकार कर दिया कि उसका घोर अपमान किया गया है। उस रात महारवाड़ा में कोई खाना खाने नहीं गया। तालुके में सदाशिव रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता। कुछ समय बाद कांग्रेस रिपब्लिकन पार्टी का समझौता हुआ। ऐसे समय जिला परिषद के चुनाव आए। कांग्रेस वाले सदाशिव को खड़ा करना चाहते थे, पर जिला रिपब्लिकन पार्टी को ये मान्य न था। इस तरह सदाशिव राजनीति में भी सड़ता रहा। एक तो वह मुंह फट, दूसरे किसी की पूंछ पकड़कर आगे जाना उसे पसंद न था, खुददारी थी उसमें। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में गणमान्य नेताओं के साथ उसने सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया। एस एम जोशी और आचार्य अत्रे के साथ उसने जिले का दौरा किया। उसके बुरे दिनों को देखकर ये याद आ रहा है। उसके बाद सदाशिव निराश हो जाता है। टिकट न मिलने के कारण उसे गहरा दुख हुआ। वह हमेशा अगुआ की कथा सुनाता, अरे वानरों की टोली में एक अगुआ होता है, वह नवजात नरों को खाता है लेकिन मादा को जिंदा रखता है। अपना कोई प्रतिद्वंद्वी न हो सके इसके लिए वह सावधानी बरतता है। राजनीति भी ठीक इसी तरह होती है। वह अगुआ किसे कहता, हम समझ जाते हैं। तो आखिर इन्होंने नाम नहीं लिखा है दया पवार जी ने कि अगुआ किसके बारे में कहा गया है इस संदर्भ में, लेकिन कहानी बेहद दिलचस्प है और बहुत थोड़े में सारा विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। बाद में सदाशिव तमाशा में निकल गया। उसका दैनिक जीवन बदतर होता गया, फाके करने लगा। दूसरी तरफ बढ़ता परिवार, इसलिए वे तमाशे में घुसा। तमाशे का वे मैनेजर था, मैनेजर यानी सभी काम उसे ही करने पड़ते। दादू मारुति इंदुरीकर का तमाशा में वह था। एक बार वह घर आया और गाढ़ वाचे लग्न विद इन ब्रैकेट गधे की शादी का खास निमंत्रण दिया। मैं लाल बाग के थिएटर में जाता हूँ, संगीत का दौर पूरा हो चुका होता है। सदाशिव कहीं से उठता है और मेरी व्यवस्था पहली कतार में कर देता है। गाढ़ वाचे लग्न लोक नाट्य की शुरुआत होती है। इंदुरीकर सांवले कुम्हार की भूमिका में हास्य के फव्वारे छोड़ रहा था। फिर स्टेज पर कुछ गधे लाए जाते हैं। आदमी ही हाथ पैरों से चलकर गधे की भूमिका करते हैं। ये दृश्य देखकर मुझे झटका लगा। उनमें से एक गधा सदाशिव था। सारे नाटक में जानवर सा खड़ा, एक संवाद तक नहीं, तलवार की धार से चलने वाली उसकी जुबान, अचानक मौन। सदाशिव को क्या लगता होगा, मैं बहुत देर तक नाटक में नहीं बैठ सका। सदाशिव की हालत मुझे दहला रही थी, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। सदाशिव काम समाप्त होने पर बाहर आता है, सामने के होटल में ले जाता है। अब वह मुझे तमाशा के कलाकारों के शोषण के बारे में बता रहा था। बड़ी छटपटाहट थी उसके बोलने में, कलेजे से उठती आवाज जैसे। कॉन्ट्रैक्टर इन्हें गन्ने की सीठी से निचोड़ते हैं, इनकी कला पर इमारतें बनाते हैं। दादू मारुति इंदुरीकर को सिर्फ 300 रुपए की पगार, नाटक की सारी आय मालिक के हिस्से में जाती है, ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। वह मुझे तमाशा के कलाकारों की यूनियन खड़ी करने के बाद कहता है, आज भी सदाशिव तमाशा में ही हैं। उसका सपना साकार न हो सका, परंतु जब भी मिलता है उसी पुराने जोश के साथ मिलता है। उसका जवान बेटा शरद इस समाज व्यवस्था में लुट गया। शुरू में वह पैंथर के युवा नेताओं का बैग संभालता, तो पैंथर यहाँ दलित पैंथर से मतलब है, जिसका के 21 मई 1972 में स्थापना की गई थी। बॉडीगार्ड का काम करता, आज उसकी भी जिंदगी धूल में मिल गई है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला कि इन दोनों बाप बेटों की हालत एक सी क्यों हुई। ये सभी लोग मेरी जिंदगी में अहम महत्व रखते हैं, इन्हें छोड़कर मेरा व्यक्तित्व खड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार पानी पर तेल की तरंगे होती हैं, ठीक उसी तरह ये मेरी जिंदगी में फैले हुए हैं। चंदर, आंबू या सदाशिव, ये मेरी किताबी दुनिया से परे के मार्गदर्शक थे। इनके संसार से अलग विश्वविद्यालय में ही मैं शिक्षित हुआ। इनका मुझ पर बड़ा गहरा असर रहा।
मुझ पर जैसा इनका प्रभाव पड़ा ठीक इसके विपरीत दादा साहब का। तो दादा साहब गायकवाड़ जी की यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसका मैं पहले भी एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ, पहले के एपिसोड में। उनकी तरह सामाजिक जीवन में चमकना, भाषण करना, सामाजिक प्रश्नों पर अंबेडकर प्रेरणा मिली तो उन्हीं के कारण। छात्रावास में हम सब विद्यार्थियों को अपने जीवन में उनका आदर्श सामने रखने की इच्छा होती, वे लड़कों में घुल मिल जाते, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते, गाते, ढोलक बजाते, एक आध बार मूड में आने पर छिछला हास्य तक सुनाते। उनके हास्य में असली महारी स्टाइल थी। उस समय हम नाभि की जड़ तक ठठहा कर हंसते। दादा साहब जो गीत गाते थे वे आज भी याद है। कार्य करो रे ए जवानों, सत्य का मार्ग धरो रे, चूर मावलों सी बना सेना, बाणी और ताना याद करो रे। दादा साहब ये गीत गाते तो मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठता। दादा साहब का व्यक्तित्व, जीवन भी हमारे लिए आकर्षण का विषय था। उनकी सुंदर पत्नी, गोरी पानीदार आंखें, सदाशिव पेठ जैसे संभ्रांत मोहल्ले के रहने वाली, अपनी भी पत्नी ऐसी हो ये सुप्त इच्छा मन में सर उठाती। उन दिनों सातवीं की परीक्षा के लिए जिले में जाना पड़ता। परीक्षा के लिए अहमदनगर गया था। गांव के मराठों के लड़के बोर्डिंग में ठहरे थे और मैं पार्टी दफ्तर में। जाते समय ठीक से कपड़े तक ना थे। माँ ने मेरे राह खर्च के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ा। उन दिनों मेरे शरीर पर बड़ा चमत्कारिक बुशर्ट था, उसके बटन कंधों पर भड़कीला रंग झिलमिलाता कपड़ा। दादी ने ये गांव वालों के हाथ भेजा था, शायद बंगले की किसी धनवान मैडम ने उसे दिया हो। वैसे जाते समय मैं बहुत अनमना था। पार्टी दफ्तर में सालवे मामा नामक सज्जन थे, मराठी स्कूल के मास्टर, परंतु सुबह उठते ही टाइम्स और डिक्शनरी लेकर बैठ जाते। कभी अंग्रेजी स्कूल में नहीं गए, डिक्शनरी देखकर ही उन्होंने अपनी अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया। बाद में वे एमए भी हुए। उनका लड़का और वे एक साथ कॉलेज जाते। कई दिनों तक वे हाई स्कूल के मास्टर थे। मामा की जिद देखकर मैं उस उम्र में भी प्रभावित हुआ था। तो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए ऐसा बोलते हैं कि बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और यहां पर आपको एक स्वरा भास्करा की फिल्म बताती हूँ, नील बटे सन्नाटा, वो भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर है, उसे भी जरूर देखिएगा। पार्टी दफ्तर मुसलमानों की बस्ती में था। पहले ही दिन एक घटना घटी। सुबह गैलरी में मैं मंजन कर रहा था, नीचे कुछ हिजड़ों का झुंड। ना जाने मेरे दिमाग में कौन सा भूत सवार था। मैं किसी एक हिजड़े के बारे में बगल में मित्र को कुछ बता रहा था, उसी समय उसका ध्यान मेरी ओर गया। वे झल्लाया, साले धेड़ के बच्चे, माटी मिले, गालियां बकने लगा। वह पार्टी के कार्यकर्ता मुझ पर नाराज हुए। मुझसे कहां गलती हुई ये मैं नहीं जान सका। बेचैन अवस्था में ही मैंने पेपर लिखा। पेपर हो जाने के बाद सारा शहर छान मारा, किसी बड़े देहात जैसा लगा। वह पंडित नेहरू को जहां हिरासत में रखा गया था वह किला देखा। इस पर किले से मुझे चांद बीबी का महल अधिक अच्छा लगा। कहते हैं उन दिनों चांद बीबी के महल से नगर तक जमीन के भीतर ही भीतर रास्ता था। हमें ऐसा लगता है कि इतिहास में पड़ी चांद बीबी इस रास्ते से घोड़ा उड़ाते जा रही है। तो चांद बीबी कौन है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा इतिहास में ले चलूंगी। सातवीं या आठवीं क्लास में हमें हिंदी की बुक में चैप्टर था चांद बीबी, जिसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पापा ने मुझे पढ़ाया था और कहा था कि लाइफ में ऐसी ही वीरांगना महिला जैसे बनना। चांद बीबी कहने को एक सुल्ताना थी, मुस्लिम शासक थी, और इन्होंने युद्ध जो किया था वह मुसलमान शासक अकबर के विरुद्ध किया था, और अहमदनगर के साथ साथ जो है इन्होंने बाजीपुर के किले को भी बचाया था। मुगल सेनाओं को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। दोबारा हमले में इनको जब बचकर भागना पड़ा, तब इनके साथ जो है विश्वासघात इनके अपने ही मंत्रियों ने किया था, वरना मुगल सेना इनसे पार नहीं पा सकी थी। मुगल सेना जिस दीवार को तोप के माध्यम से उड़ाती थी, रातों रात चांद बीबी उसे पुख्ता तरीके से बनवाकर खड़ा कर देती थी, ऐसा इनके बारे में मशहूर है। तो इतिहास में बहुत सारे घालमेल हुए हैं। ये एक मुस्लिम शासक थी
और इन्होंने एक मुस्लिम शासक के विरुद्ध ही युद्ध किया है। उस समय का इतिहास यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय राज्यों को जीतने की होड़ लगा करती थी। उस समय यह नहीं देखा जाता था कि मुसलमान मुसलमान के विरुद्ध लड़ रहा है कि मुसलमान किसी राजपूत या हिंदू शासक के विरुद्ध लड़ रहा है। तो इतिहास को उसी नजरिए से देखना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं। यही मेरा कहना है अंत में, और यहीं पर हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इसमें दी गई जानकारी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। फिलहाल आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे यही एहसास होता है कि आपको ये सभी चीजें पसंद आ रही हैं। तो यदि पसंद आ रही हैं तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलिएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।